दुनिया भर की अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती से कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 के रेड कार्पेट को और भी रंगीन कर दिया। फिलहाल हम यहां बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मस्तानी दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण ने गुरुवार रात कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। क्रीम एंड ब्राउन कलर के कस्टम डंडस गाउन में दीपिका पादुकोण किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पोनीटेल, डार्क आई लाइनर, बड़े ईयर रिंग्स और ब्रेसलेट दीपिका पादुकोण के लुक को परफेक्ट बना रहे थे। कान के रेड कारपेट पर एंट्री करते ही दीपिका पादुकोण बिंदास अंदाज में नजर आईं। रेड कारपेट पर पहुंचते ही दीपिका पादुकोण कैमरों के सामने दर्शकों को फ्लाइंग किस करते भी नजर आईं। दीपिका ने जो अपना पहला लुक शेयर किया है उसमें वे व्हाइट एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन वाले पैंट सूट में नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में दीपिका पादुकोण इस पैंट सूट में सनग्लासेस लगाए हुए दिख रही हैं। कपड़ों के कलर कॉम्बिनेशन से हटकर ऑरेंज कलर की हील्स उनके लुक्स पर चार चांद लगा रही है। आइए अब कंगना रनौत की भी बात कर लेते हैं। कंगना ने कुछ देर पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कान के लुक की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ऑफ व्हाइट गाउन में कंगना बला की खूबसूरत लग रही हैं। अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बना रही हैं। खूबसूरती की बिजली प्रियंका चोपड़ा ने भी खूब गिराई। फेस्टिवल में शामिल होने के बाद शुक्रवार को वे पति निक जोनस के साथ फ्रेंच रिवेरा में दिखीं। होटल से बाहर निकलते वक्त उनकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। दोनों बेहद स्टाइलिश दिख रहे थे। प्रियंका चोपड़ा ने हल्के नीले रंग की सैटन मैक्सी ड्रेस पहनी थी। काउबॉय हैट उन पर खूब जच रही थी। वहीं निक जोनस सूट में नजर आए। ब्लैक टिंडेड सनग्लास और व्हाइट स्नीकर्स उनके फॉर्मल लुक को परफेक्ट बना रहे थे। इन तीनों ही अभिनेत्रियों में सबसे बेस्ट लुक किसका था, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें और देखते रहें हिंदी राशि।